hello children once again i am back with the explanation of the textual exercise of the poem wandering singers of english standard 8 which i have already explained you now let's begin with the meanings once i have explained you the meaning again we'll start with that the first one is wandering feet it means this refers to the singers कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस नाउ द सिंगर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनको कहा जाता है वनडरिंग फीट द सेकेंड वन इज एकोइंग फॉरेस्ट एंड एकोइंग स्ट्रीट दैट मीन्स द साउंड ऑफ द सिंगिंग एक्स थ्रू द फॉरेस्ट एंड स्ट्रीट मतलब जो आवाजें गूंजती है फॉरेस्ट में और गलियों में द थर्ड वन इज लूड्स दैट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जिसमें स्ट्रिंग्स होती है और जो गिटार की तरह बजाया जाता है द फोर्थ वन इज़ किंडर्ड दैट इज पार्ट ऑफ द सेम फैमिली मीन्स एक फैमिली का जो हिस्सा होता है दैन द फिफ्थ वन इज लेज इट मीन्स द पोएम्स और सॉन्ग्स दैट टेलर अ स्टोरी लेज़ का मतलब है जो पोए और सॉन्ग्स होते हैं जो हमें एक स्टोरी बताते हैं सुनाते हैं दैन द सिक्स वन इज लश्चर इन शेड इट मीन्स शाइन और ग्लोरी जो खो गई है इट इज़ लॉस्ट द लास्ट वन इज बिड्स अस टैरी इट मीन्स आस कस्ट टू स्टे लॉन्गर इन अ प्लेस बिड्स अस टैरी का मतलब है जो उन्हें एक ही जगह पर रोके रखता है नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेर डू द वडरिंग सिंगर्स गो मतलब वंडरिंग सिंगर्स कहाँ जाते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं द आंसर इज़ द वडरिंग सिंगर्स गो फ्राम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन इन इंडिया मतलब वो एक गाँव से दूसरे गाँव जाते हैं एक टाउन से दूसरे टाउन जाते हैं इंडिया में एंड दे गो वेरेवर द वॉइस ऑफ द विंड म मतलब जहाँ उसे हवा ले जाती है वहाँ वो चले जाते हैं देन द सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट डू द फॉरेस्ट एंड द स्ट्रीट एक् विथ मतलब फॉरेस्ट और स्ट्रीट में कौन सी आवाज़ें गूंजती हैं सो द आंसर इज द फॉरेस्ट एंड द स्ट्रीट्स एक् विथ द सॉन्ग्स ऑफ द वांडरिंग सिंगर्स मतलब वहाँ पे वरिंग सिंगर्स के गाने गूंजते हैं देन द थर्ड क्वेश्चन इज वॉट डू दे सिंग अबाउट मतलब ये जो वनडरिंग सिंगर्स है वो किस चीजों किन किन चीज़ों के बारे में गाने गाते हैं दैट इज द आंसर इज देग अबाउट सिटीज विच हैव लॉस देयर ग्लोरी ऑफ ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ द पास्ट ऑफ ओल्ड बैटल्स एंड किंग्स एंड ऑफ सिंपल थिंगस दैट मेक वन हैप्पी और सैड मतलब वो एक तो पहले सिटीज़ के बारे में गाने गाते हैं जिनकी ग्लोरी मतलब जिनकी चकाचौन खो गई है ब्यूटीफुल वूमेन जो पुराने ज़माने की थी उनके बारे में गाने गाते हैं ओल्ड बैटल्स जो पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी उनके बारे में और राजाओं के बारे में और छोटी छोटी सामान्य सी चीज़ों के बारे में जिनसे लोग कभी कभी खुश होते हैं और कभी उदास हो जाते हैं देन द फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट आर द क्वेश्चंस ऑन देयर माइंड्स मतलब उनके दिमाग में कौन से क्वेश्चंस होते हैं दे वंडर अबाउट वॉट होप दे विल गैदर एंड वॉट ड्रीम्स दे विल सो मतलब क्या आशाएं वो लोगों के मन में पैदा करेंगे और क्या लोगों को वो सपने दिखाएंगे इस बारे में सोचते हैं देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डू दे डिसाइड वेयर टू गो एंड वेन टू लीव ए प्लेस मतलब वो सोचते हाउ कैसे डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ कितने समय तक रहेंगे और कब वहाँ से निकल जाएंगे सो द आंसर इज दे फील द विंड कॉलिंग टू देम जब उन्हें लगता है कि हवाएं उन्हें बुला रही हैं एंड दे गो वेरेवर इट लीड्स देम और वो उनके साथ निकल पड़ते हैं जहाँ वो ले जाती है नाइदर लव नॉर जॉय कैन मेक देम स्टे एट वन प्लेस ना ही उन्हें किसी का प्यार रोक सकता है ना ही कहीं की खुशी उन्हें एक जगह पे रोके रखती है नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ द फेक ऑफ़ द वडरिंग सिंगर्स मतलब उनका वंडरिंग सिंगर्स का क्या फेथ है द फेथ ऑफ द वडरिंग सिंगर्स इज़ टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनहेंडर्ड जस्ट लाइक द विंड उनका यह फेथ है कि उनका यह मानना है कि वनडरिंग सिंगर्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं जैसे हवाएँ एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं नाउ डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट Exercise and the last one is about you have to explain these lines in your own words. The lines from the poems are given over here that you have to explain it in your own words. So, the first one is Our lays are of cities whose lustre is shed, the laughter and beauty of women long dead, the sword of old battles, the crown of old kings. And happy and simple and sorrowful things. Now, in line no. को आपको अपने शब्दों में explain करना है. So, dear students, the answer is, these lines talk about what the wandering singers' songs are about. इस line से हमें क्या पता चलता है कि वो बता रहे हैं कि किस subject पे, किस topics पे वो गाने गाते हैं. So, the wandering singers सॉन्ग टॉक अबाउट सिटीज़ विच हैव लॉस देयर ग्लोरी ऑफ ब्यूटिफुल वुमेन फ्राम द पास्ट ऑफ ओल्ड बैटल्स एंड ओल्ड किंग्स एज वेल एज मैनी अदर हैप्पी और सैड थिंग्स ऐसे जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था वो किन किन चीज़ों के बारे में गाते सिटीज़ जिनकी फेमस अब नहीं रहे हैं जो सिटीज़ जो ब्यूटिफुल लेडीज़ थी पुराने जमाने की पुरानी लड़ाइयाँ पुराने राजा और जो कुछ चीज़ें हैं जिनसे लोग खुश होते हैं और कभी उदास हो जाते हैं नाउ द नेक्स्ट सेकेंड वन इज वॉट होप शैल वी गैदर वॉट ड्रीम शैल वी सो अब इस लाइन का मतलब आपको समझाना है सो द आंसर इज इन दिस लाइन्स द वडरिंग सिंगर्स वंडर अबाउट वॉट होप्स एंड ड्रीम्स दे कैन हैव दे गो वेरेवर द विंड कॉल्स देम मीन्स उन्हें क्या आशाएं मिलती हैं वो क्या लोगों को सपने दिखा पाते हैं और वो चले पड़, चल पड़ते हैं जहाँ उन्हें हवाएं ले जाती हैं देन द थर्ड वन इज़ नो लव अस टेरी नो जॉय अस वेट इसका मतलब है लव कैनॉट स्टॉप दैम ऐट वन प्लेस मतलब किसी का प्यार उन्हें कहीं नहीं रोक सकता नॉर कैन जॉय मेक दैम वेट और अगर उन्हें कहीं खुशियाँ मिलती है वो भी उन्हें नहीं रोक सकती द लास्ट वन इज़ द वॉयस ऑफ द वेंड इज़ द वॉयस ऑफ आर फेट मीन्स देअर फेट इज़ टू गो फ्रॉम इसकी फ़्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक द विन मतलब उनकी जो मंजिल है उन्हें कोई एक मंजिल पर नहीं रोक सकता उनको हवाओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है सो स्टूडेंट्स आई होप यू वै अंडरस्टूड द पोएम एंड इट्स एक्सरसाइज वेरी परफेक्टली सो यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर एफ एन बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन विच आई एम गिविंग फर्स्ट ऑफ ऑल यूल राइट डाउन द मीनिंग्स Then the question answer and the explanation of the line. Question with black pen and answer with blue pen. So, thank you, dear students.